अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग आए हैं लालू खेत परिंदा मार्केट में। अली हसन, क्या हाल है आपके? ठीक है? अच्छा, आज क्या है कुछ यहाँ पे? गर्मी ज़्यादा है क्या है? आज गर्मी माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, और अभी आगे आके देखते हैं हम आज क्या लगा। अच्छा जी, मार्केट की क्या पोजिशन है? अच्छा, इसको जैसे वो कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं अभी आसपास जी। अस्सलाम वालेकुम अली, यहाँ इस साइड पे जाएं कि इस साइड पे जाएं? आज वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुर्गे ज़्यादा है यहाँ पर, मुर्गे और ये पूछ ले कितने के इधर है मुसक लिया। हाँ भाई, आपका ये कितने में दे रहे हो? कितने में दे रहे हो? 3000। माशाल्लाह, देखो जी भाई, ट्रेन को कौन सा नस्ल का भाई है? क्या हिसाब से खरीदा है? ये 3000 रुपये का भेज रहा भाई। अच्छा, बड़ा महंगा दे रहे हो। अच्छा अच्छा भाई, आओ जल्दी जनाब वाला। जनाब ये देखें, बड़ी प्यारी प्यारी मुर्गी है और कबूतर यहाँ पर मुर्गी है। ये देखिए जी, आप बेच रहे हो भैया? ये बेच रहे हो क्या? ये नहीं, लिया आपने? कितने का लिया आपने? 2500 रुपये का। कौन सी नस्ल का ये? असील है। असील, माशाल्लाह। ये देखें कौन सी नस्ल है? गुलिया नस्ल जनाब। अच्छा, 2500 रुपये का मिल रहा है। देखो भी वसीम भाई, थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये देखें, अच्छा आगे चलते हैं। आज जनाब वाला कराची में क्या सिचुएशन है, क्या 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 मामलात हैं परिंदों की मार्केट में? आज हम लोग आए हैं और यहाँ पर बकरी भी नजर आएगी आपको। ये देखें, बकरी भी यहाँ पर नजर आएगी और ये सिचुएशन है बकरी। रश बहुत है, कल की बारिश के बाद आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, ये देखो, यूज वाला यूज। ये देखें ये भाई बुला रहा। कौन सा नसल भाई ये? पूछ रहा है कौन सी नसल है? कितने का दे रहा है? 3500। देसी अंडे देखें जनाब वाला, देसी है कि ये मिस्री अंडे? देखते हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या क्या मामला आते हैं। मुझे जगह नहीं है। खोलेगा, खोलेगा, देख आगे चले। अली आगे आ जाओ, आगे निकल। 900 रुपये। सील सील का माल है जनाब अली ज़्यादातर यहाँ पर, और फैंसी माल भी यहाँ पर है। जैसी और सील ये जनाब लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर था सील, ठीक है, दिख रहा है। ये भी देसी चूज़ है। जनाब वाला यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ तक इनकी ये मार्केट की सिचुएशन है। ये देखेंगे अभी इस टाइम पर सिचुएशन ये है कि माल बहुत ज़्यादा है। कल बारिशों के बाद से यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत रश है। बाकी रही बात SOPs के हवाले से, तो ये इतवार के इतवार ये एक मंडी लगती है लालू खेत में, जो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है।
जहाँ पर हम लोग ये देखने के लिए आए थे यहाँ पे किस किस्म का और कितना खूबसूरत तरीन जानवर यहाँ मौजूद है वो देखेंगे और आगे चलते हैं। चलें सर आगे चलें। देखो ये वसीम भाई और अपने पोमी भाई जो हमारे कबूतरों का शौक रखते हैं उनके लिए कराची से ये चीज़ यहाँ पे इनको दिखाने के लिए आए थे ताकि यहाँ पे कोई चीज़ खूबसूरती ली है तो वो देखें और जो काम की चीज़ें वो भी अपनी देखें। मार्केट की पोजिशन ये है भाई कि लोग बारों बार खड़े हुए कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर तोतों का भी है कबूतरों का भी है यहाँ पे हर किस्म का कारोबार होता है। कंडीशन ये है जी लालू खेत बाज़ार की इस टाइम पर हम जो आप लोगों को दिखाने के लिए आए थे यहाँ पर ये मेन 10 नंबर दफाने से जो ये रोड है वहाँ से ये जो आता है और यहाँ पर पूरे का पूरा जो है सिचुएशन इस टाइम पर ये है कि रश बहुत ज़्यादा और ये सबसे बड़ी मार्केट है इसकी वहीं यहाँ पर रश ज़्यादा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसी को इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि हर बंदा यहाँ पर बिजी है और बेचने में सारे के सारे मसरूफ हैं। अच्छा जी कितने का बेच रहे हो भाई? भाई ये प्यारे इसकी 12,000 रुपये मांग रहे हैं। 12,000 रुपये का? देखो जी कोई भाई कितनी उम्र का? ये तकरीबन 1.5-2 साल का दोनों। चलो जी वहाँ तो देखते हैं कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो हाथ चढ़ गए इनके उसको ये लोग खिला देंगे। यहाँ पर देखते हैं गुड़िया है चलिए आ गया कि रहो ना मेरे भाई कितने का दे रहे हो ये शेर? शेर कितने का दे रहे हो? 2500 का जोड़ा। जनाब अली SOPs के हवाले से जो है वो पुलिस आ चुकी है। SOPs के हवाले से जनाब अली पुलिस आई है और अभी देखते हैं अभी क्या होती है। देखें मार्केट ये कंडीशन है जहाँ पर कोई रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट की हालत ये है यहाँ से दिखाएंगे आपको। ये देखेंगे ये दूर तक जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको लालू केक का बाज़ार नज़र आएगा। भैया उस दिन भी हम लोग आए थे यहाँ पर देखे गए थे लेकिन इस संडे में जो है इस बार बाज़ार ज़्यादा गर्म है क्योंकि जो काम की सिचुएशन थी वो नहीं थी और अब जो शुरू हुई है। देख सुनते हैं आगे जाने वाली बात आगे जाने वाली बात आगे।